फ्रेंड्स सिविल अनिश राज चैनल को लाल कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में नए नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आज का मेरा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेवलपिंग लेंथ क्या होता है। जब सरिया रॉड काटते हैं कॉलम और स्लैब बीम के लिए, तो उसमें हमें डेवलपिंग लेंथ देना पड़ता है, जो अच्छी तरह जानकारी नहीं होता है कितना देना चाहिए नहीं देना चाहिए। इसी के लिए मैं एक नया डिज़ाइन बताने जा रहा हूँ, डेवलपिंग लेंथ। आप लोग मेरे साथ जुड़े। इसका डेवलपिंग लेंथ का फार्मूला होता है फाई बाईस सिग्मा एस बट्टा फोर टाउ बी डी। ये डेवलपिंग लेंथ का फार्मूला होता है। ये लिमिट स्टेट मेथड है। मैं आईएस कोड में भी ले जाके आप लोग को दिखाऊंगा। फोर M25 ग्रेड कॉन्क्रीट, M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड Fe 500, Fe 500 ग्रेड स्टील है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं फाई क्या है। वेयर फाई जो है नॉमिनल डायमीटर है। स्टील बार का नॉमिनल डायमीटर है, ठीक। इसी के साथ सिग्मा एस क्या है। सिग्मा एस है स्ट्रेस इन बार एट डिजाइन सेक्शन लोड। और टॉप बी डी क्या है। टॉप बी डी है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है, ठीक। मेरे साथ बने रहे, स्किप मत होए, मैं बहुत अच्छा चीज़ बताऊंगा। तो मैं ले लेता हूँ डायमीटर ऑफ वार, मीटर बार बराबर है 16 mm का निकालते हैं, 12 mm का तो निकाला हुआ है यूट्यूब पे, बहुत सारा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा फार्मूला क्या था, फाई डेवलपिंग लेंथ बराबर फाई सिग्मा एस बटा फोर टाउ बी डी। तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ बार, फाई का मतलब है, ठीक। तो फाई को जैसे के तैसे अभी रहने देते हैं, फार्मूला भी बनाना है इसका। और सिग्मा स्ट्रेस हमारे पास क्या है, 500 Fe एक ग्रेड होता है, 415 256। तो हम अभी फिलहाल 500 डी ले रहे हैं, तो सिग्मा एस बराबर क्या हो जाएगा मेरा 500 है, ठीक। Fe 500 है, Fe रॉड पे लिखा रहा था 500 डी 415 डी ये सब लिखा रहा था, वो सिग्मा एस ही होता है, ठीक। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 500 ये, और बट्टा क्या हो जाएगा 4 4। और टाउ बी डी क्या है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस हम आपको आईएस कोड में ले जाके दिखाना चाहते हैं, तो मेरे साथ चलिए आईएस कोड में देखिए M20 ग्रेड के लिए क्या मतलब डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस होता है टाउ बी डी।
तो फ्रेंड देख लिए आप टॉप बी डी, टॉप बी डी का मान क्या 2.24। ठीक, जब हम गुना भागा इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेवलपिंग लेंथ हो जाएगा आपको 56.5 हो जाएगा। ठीक, ये फाई है क्या है, स्टील का डायमीटर है, कितना एमएम का हम जो रॉड यूज कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। रॉड हम डायमीटर ऑफ स्टील क्या यूज कर रहे थे, डायमीटर ऑफ स्टील यूज कर रहे थे 16 mm, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 56 × 16। ठीक, इसको गुना करेंगे तो 892.8 mm हो जाएगा। तो हमें 892.8 mm डेवलपिंग लेंथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। कब, 16 mm का रॉड में, जब हम M20 ग्रेड कॉन्क्रीट डिजाइन कर रहे हो और स्टील का ग्रेड 500D हो, कहीं कहीं रहता है Fe 415D, उसके बाद रहता है 556 500 700D। डिफॉल्ट डिक्टेड स्टेट मेथड से, लिमिटेड स्टेट मेथड से M20 ग्रेड कॉन्क्रीट का डिजाइन करेंगे और स्टील का ग्रेड क्या होगा, 415 ग्रेड ऑफ स्टील होगा। बहुत जगह देख रहे होंगे आजकल जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें स्टील का ग्रेड हमेशा आपको 500 Fe 500D हो रहा है। ठीक, डिफॉल्ट डक्टाइल होता है, ये लेटेस्ट वर्जन है, उसके बाद 700D हो रहा है, फिर SD होता है, ये टाटा टिस्कॉन में आता है SD। ठीक, तो फ्रेंड क्या होगा, 12 mm रॉड के लिए डायमीटर फाइव बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला सारा सेम ही रहेगा और ये सिग्मा एस 415 हो गया स्टील का ग्रेड, और नीचा में जो चार था चार रहेगा, और टॉप बी डी आपको दिखाए थे हम IS कोड में 2.24 रहेगा। ठीक, M20 ग्रेड के लिए लिमिटेड स्टेट मेथड में, तो इसको जब हम गुना भाग करेंगे, ये पूरे को गुना भाग जब हम करेंगे, ये तो 546D हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, डेवलपिंग लेंथ का फार्मूला हो जाएगा 46 फाई हो जाएगा। ठीक, 46 फाई हो जाएगा। तो हमारे पास डायमीटर ऑफ बार क्या है, डायमीटर ऑफ बार हमारे पास जो सिग्मा फाई है, सिग्मा फाई बराबर क्या है, 12 mm। ठीक, सिग्मा फाई 12 mm है, तो डेवलपिंग लेंथ क्या हो जाएगा, 46 × 12। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 552 मिलीमीटर डेवलपिंग लेंथ प्रोवाइड करना है जब 12 mm का रॉड हो और N25 ग्रेड कंक्रीट डिजाइन कर रहे हो और स्टील का ग्रेड क्या रहे, 415 रहे। इससे पहले जो बता रहे थे 500 स्टील का ग्रेड था और M20 कंक्रीट का ग्रेड था, और ये जो नीचे वाले बता रहे हैं M25 कंक्रीट का ग्रेड है और स्टील का ग्रेड क्या है, 415 है। तो 415 स्टील ग्रेड के लिए 552 मिलीमीटर आपको डेवलपिंग। फ्रेंड यहीं पे आज का टॉपिक समाप्त होता है, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।